आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हिंदी के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता आ धरती कितना देती है बरबस ध्यान में आ रही है। कविता का संदेश बहुत साफ स्पष्ट है कि धरती में बच्चा यानी आधुनिक मनुष्य इस इच्छा से पैसे बो देता है कि ये पेड़ पौधों की तरह फलेंगे फूलेंगे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है, पैसे भी नहीं मिलते। इसलिए किसी ने कहा है कि प्रकृति आपकी जरूरतें तो पूरा कर सकती है लेकिन आपका लालच पूरा नहीं कर सकती। जैसे जैसे मनुष्य का लालच प्रकृति से बढ़ा, वैसे जंगल कटते चले गए और कंक्रीट और बंजर मैदान बढ़ते चले गए। मनुष्य ने जंगल काटे और अपने सपनों के महल बनाए। कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की ही आई। ऑक्सीजन के लिए चारों तरफ मारामारी मची, इसके बावजूद इंसान का लालच यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। यदि हमने पेड़ों की रक्षा की होती तो ये नौबत भी ना आती, पर हमने तो प्रकृति का बुरी तरह दोहन किया जिससे आज प्रकृति हमसे अपना बदला लेने लगी है। इसलिए सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यदि हमने पेड़ों को सींचा होता तो आज कूलरों में पानी भरने की जरूरत ना पड़ती। हमने पहाड़ों को भी नहीं छोड़ा, पर्वतीय स्थलों पर घूमने जाते हैं और टनों कचरा फेंक आते हैं हर वर्ष। प्रकृति अपनी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती है। हम प्रकृति का रुदन ना देखते ना सुनते। फिर प्रकृति अपने रौद्र रूप में उत्तरकाशी में आती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। कभी बादल फट जाते हैं, फिर हम प्रकृति का पैगाम समझने की कोशिश नहीं करते। इसी प्रकार अभी दो दिन पूर्व हमने विश्व साइकिल दिवस मनाया, लेकिन अब साइकिल चलाना फैशन और प्रचार का माध्यम बन गया है। यदि हमने साइकिल का उपयोग जारी होता तो आज पेट्रोल के बढ़ते दाम हमें रुला नहीं रहे होते। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से प्रदूषण के खतरे बढ़ रहे हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाकर इतिश्री कर लेते हैं। ANV न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की रिपोर्ट।